अब जिक्र करेंगे शहर में बढ़ते हुए जुराइम का। शहर में डाकू बेलगाम, पुलिस शिकंजा डालने में नाकाम है। रायविन रोड पर सीनियर सहाफी इम्तियाज आलम के घर में डकैती की वारदात, डाकू लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक अलल सुबह 6 डाकू रायविन रोड पर सीनियर सहाफी इम्तियाज आलम के घर घुस गए और लाखों की नकदी, जेवरात और कीमती सामान ले उड़े। एसपी सदर के मुताबिक इम्तियाज आलम की जानिब से इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त दे दी गई है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों और शवाहिद की रोशनी में मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है, जबकि पुलिस ने जाय वारदात से शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने सहाफ़ी इम्तियाज आलम के घर में डकैती वाक़े का नोटिस ले लिया है। उस्मान बुज़दार ने सीसीपीओ से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा इस वारदात के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज आलम के घर डकैती के वाक़े का नोटिस ले लिया है और इस ज़मन में सीसीपीओ लाहौर से रिपोर्ट तलब करते हुए वाक़े में मुलव्वस मुलज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। वज़ीर आला ने कहा कि डकैती के मुलज़िमान का सुराग लगाकर सिलसिला और कानूनी कार्रवाई की जाए। ठीक है लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका।